नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपा चक्रवर्ती रियाज गुरु चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। ताल का सेशन चल रहा है। आज जो ताल मैं सिखाऊंगी वो ताल है रूपक। आपको पता है कि मैं ताल बजाना नहीं सिखाती हूँ, लेकिन ताल के बोल, उसको किस तरीके से बोला जाता है, उसको हम गाने में कैसे प्रयोग करते हैं, कौन कौन से गाने में प्रयोग होता है, उसका लय को हम कैसे मेंटेन करते हैं, ये सारी चीज़ हम सीखते हैं। देखिए, ताल को बिना सीखे हम संगीत को पूर्ण तरीके से नहीं सीख सकते, ये आपको भी पता है। लेकिन हम लोग लिमिटेड नॉलेज लेकर, मानिए कि हमें ताल में गाना आता है, चलिए हम गा लेंगे, लेकिन उसका बोल पता नहीं है, उसके खंड मात्रा सम ताली खाली कुछ पता नहीं है, और ऐसे ही हम गाते जाएंगे ना, तो थोड़ा सा ना इमैच्योर लगता है। इससे अच्छा है कि एक बार कष्ट करके सारे ताल जितने गाते हैं हम लोग, मतलब बहुत जो कॉमन ताल है, उसको अगर आप देख लेंगे, सीख लेंगे, समझ लेंगे ना, तो आपको गाने में बहुत मज़ा आएगा। अगर आप मेरे सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको रियाज कराती हूँ, ताकि आप अगर मेरे साथ साथ भी बोलेंगे ना 5-6 बार 7 बार, तो आप जिंदगी भर ये ताल भूल नहीं सकते हैं, इसका मैं गारंटी देती हूं। तो चलिए रूपक ताल देख लेते हैं। आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल जाएगा, रूपक ताल 7 मात्रा का ताल है। इसमें 3 खंड है और हर खंड में 3-2-2 मात्राएं हैं। देखिए क्या होता है कि हम लोग ना जब एक ही चाल में चलते हैं, जैसे मानिए कि हम टहलने निकले तो एक स्पीड है, आराम से जा रहे हैं, या टहलने के बात कर रही हूँ, अगर हम वॉक कर रहे हैं तो उसका एक चाल अलग होता है, अगर हम दौड़ रहे हैं बस पकड़ने के लिए, ट्रेन पकड़ने के लिए, तो उसका एक अलग लय है या चाल अलग है। तो हम ना थोड़ा मोनोटोनी को ब्रेक करने के लिए कुछ अलग करना चाहते हैं। देखिए हम लोग जो दादरा है, त्रिताल है, कहरवा है, तो कहरवा 4-4 मात्रा का है, मतलब जो उसका जो चाल है वो एकदम इजी है, 3-3 का जो चाल है वो भी इजी है, लेकिन रूपक का चाल इजी नहीं है, 3-2-2। तो इसको समझने के लिए आप कई बार इन तालों को बोलना पड़ता है, ताकि इसका जो मतलब लय है या इसका जो चाल है, चलन है, ये आपका दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। देखिए ताल हम सीख क्यों रहे हैं भाई, गाने के साथ गाने के लिए ना, गीत के साथ गाने के लिए ना, तो गीत तो हम बाद में गाएंगे, क्योंकि गीत का चाल भी वही चाल होगा जो ताल में है। अगर मैं रूपक ताल में कोई भी कंपोजिशन में गाने वाली हूँ तो वो तो इसके साथ ही चलेगा ना, तो पहले हमें ताल को समझना है। ये तो हो गया इसका मात्रा 3-2-2, मतलब अगर मैं इसका ताली खाली बोलूँ तो ये ताल इंटरेस्टिंगली खाली से शुरू होता है। यूजुअली क्या होता है, ताली से शुरू होता है हमारा ताल, जिसे हम सम कहते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई खाली से शुरू होता है तो सम कहाँ पर है, तो सम इसका खाली है। लोग क्या बोलते हैं, सम होता है ताली, पहला ताली या पहला मात्रा को हम सम कहते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर ताल है, रूपक ताल है, ये खाली से शुरू होता है, ठीक है। तो पहली मात्रा में इसका खाली है और 4 और 6 पे इसका ताली है। इसके पहले भी आपको मैंने बताया है मैं 6 स्टेप्स में ताल को सिखाती हूँ, तो मैं उसको रिपीट नहीं कर रही हूँ कि कौन कौन सा 6 स्टेप्स है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि उन वीडियोस में जाइए, वो 6 स्टेप्स को आप सीख लीजिए। इसके पहले मैंने त्रिताल सिखाया, कहरवा दादरा ऑलरेडी सिखा दिया, इवन मैंने झपताल भी सिखा दिया। तो उन वीडियोस में जिस तरीके से मैंने 6 चीज़ों को डिस्क्राइब किया है, अगर वो चीज़ आप समझ लेंगे तो बार बार करके मैं बोल के ये रिपीटेशन नहीं करना चाहती हूँ, वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती हूँ, वो आप देख लीजिए। तो पहला क्या है कि आपको इसका जो चाल है वो समझना है। मैं हमेशा हाथ में गिनना पसंद करती हूँ,
हाथ में गिन के अगर आप ताल करते हैं तो वो सबसे बेस्ट तरीका है। तो मैं पहले हाथ में दिखाती हूँ, मैं काउंट बोलूँगी, आपको पता है कि मैं पहले काउंट को करती हूँ हाथ में, तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 मैंने क्या किया 1 2 3 के बाद एक पॉज लिया 1 2 3 4 5 6 7 पॉज मतलब मैंने एक पूरा गैप नहीं किया 1 2 3 4 5 ऐसा नहीं किया, काउंट में ही बोल रही हूँ मैं, एक भी मात्रा छोड़ नहीं रही हूँ, समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन एक ब्रेक मैं दे रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 मैं तीन बार बोलूँगी, ऑलरेडी मैंने 3-4 बार बोल दिया होगा, लेकिन मैं बोलूँगी आप मेरे साथ साथ बोलिए, तो इससे आपको वो मात्राओं का समझ आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 सम है। रिदम के साथ बोलिए, आपने नहीं किया होगा, देखिए मेरा पैर, मेरे जो ये अंगूठे हैं ना, मतलब पैर के जो अंगूठे हैं वो मेरा हिलता ही है हमेशा जब मैं ताल बोलती हूँ या ताल में गाती हूँ, क्योंकि वो मेरा एक बॉडी में जैसे मिलता ना कंट्रोल पावर है, वहाँ पर कंट्रोल है मेरा, मतलब ऐसे तो मैं सब मज़ा कर रही हूँ, लेकिन होता है वो ऑटोमेटिक हो गया, तो आपके बॉडी में भी वो ताल का सेंस आना चाहिए तभी मज़ा आएगा। तो ये हो गया पहला स्टेप, आपने गिन लिया, हाथ में भी गिन लिया, आपको इसका काउंट भी पता चल गया कि 7 मात्रा है 3 खंड है। इसके बाद आता है इसका बोल, बोल देख लीजिए 3 3 ना धीन ना धीन ना। अब ये जो काउंट है इसको मैं बोल के साथ बोलूंगी, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 3 3 ना धीन ना धीन ना ती ती ना धी ना धी ना। कुछ लोग इसको 3 3 ना भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको ती ती ना भी बोलते हैं। देखिए ये छोटा मोटा जो चीज़ है ना बोल में, जो फर्क थोड़ा सा है वो घराना के हिसाब से थोड़ा चेंज हो सकता है, इसलिए उसकी चिंता आप ना करें, आप काउंट पे करिए और बोल लगभग सेम ही होता है, थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो चलिए इसको भी हम 3 बार देख लेते हैं 3 3 ना धीन ना धीन ना 3 3 ना धीन ना धीन ना 3 3 ना धीन ना धीन ना 3। आप देखेंगे मैं जब ताल इसमें बोल रही थी ना तो मेरा हाथ ऑटोमेटिक ऐसा हो रहा था 3 3 ना धीन ना धीन ना 3 3 ना धीन ना धीन ना। क्यों? क्योंकि वो खाली से शुरू होता है। तो ये हो गया सेकेंड पार्ट। इसके बाद थर्ड पार्ट, ठीक है, अब मुझे ताली खड़ी देके बोलना है। ये तो काउंट हो गया, काउंट करना बहुत इजी है आपको मैं कह दूं, लेकिन अगर हाथ में ताली खड़ी देंगे तो वो बहुत कठिन है। चलिए देख लेते हैं 3 3 ना धीन ना धीन ना। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं 3 3 ना धीन ना धीन ना 3 3 ना धीन ना धीन ना। कुछ लोग 3 3 ना धीन ना धीन ना। अब क्या फर्क कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, इसमें जो मैं कर रही हूं हाथ में, ये जो उंगली का प्रयोग नहीं कर रही हूं, मतलब उंगली को अलग से मैं नहीं दिखा रही हूं 3 3 ना धीन ना धीन ना। सिर्फ मैं ताली खाली दे रही हूं, मात्रा को मैं दिखा नहीं रही हूं। लेकिन एक और है 3 3 नाम 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 तो मैंने ये भी दिखाया, उंगली भी दिखाया, ठीक है। तो चलिए उंगली के साथ, रिदम के साथ, बोलों के साथ, मेरे साथ साथ बोलिए 3 3 ना धीन ना धीन ना 3 3 ना धीन ना धीन ना 3 3 ना धीन ना धीन ना 3। खत्म नहीं हुआ भाई, एक और स्टेप बाकी है, इनफैक्ट और 2 स्टेप्स बाकी हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो भी होगा, ताल का डिवाइस या सुरसाधक या कोई और ऐप, आईप्रो तबला कोई भी है आपके पास, तो आप उसके साथ बोलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं
भिन्ना 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 तिन तिन्ना भिन्ना भिन्ना तिन तिन्ना भिन्ना भिन्ना तिन। अभी अगर मैं हाथ का प्रयोग ना करूं और सिर्फ गाना गाते टाइम ये भी मैं कर सकती हूं, तिन तिन्ना भिन्ना भिन्ना तिन तिन्ना भिन्ना भिन्ना तिन तिन्ना भिन्ना भिन्ना तिन। देखा, एक ताल को करने के लिए मैंने कितने सारे रास्ते बताए, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ। गीत के साथ नहीं गाना है क्या? वो आपको करना है। इस वीडियो में मैं नहीं बोलूंगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद जैसे मानो कि आपने मेरे साथ साथ प्रैक्टिस, देखिए इतना मैं कर क्यों रही हूं कि आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें, आपको अलग से करने की कोई जरूरत ना हो, आप मेरे साथ साथ करेंगे, तीन चार बार वीडियो को रिपीट करके देखेंगे, प्लेबैक करेंगे, फिर से आप करेंगे तो देखेंगे कि आप यूं ही इस ताल सीख गए हैं। आपको घर बैठे इतना फायदा हो रहा है तो फिर आपको करना चाहिए ना, इसका प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, रूपक के तीन चार गीत आप जुगाड़ कीजिए, इंटरनेट से या यूट्यूब से, कहीं से, आपके गुरु से, कहीं से भी आप इसको ढूंढिए। रूपक ताल में जो गीत है या बंदिश है या गजल है, भजन है, जो भी है, बहुत गाने आपको मिल जाएंगे, उसको फिर आप ये ताल के साथ भाई कोलाबरेट करना है, इसके साथ मैच करना है, इसके साथ गाना है, तब देखिए मज़ा रूपक ताल में गाने की। अगला कोई अगर वीडियो मुझे सूझेगा तो मैं ज़रूर रूपक ताल में मैं बंदिश वगैरह मैं आपको सिखाऊंगी। देखिए ऑलरेडी मैंने सिखाया है, मैंने रूपक ताल में अलंकार मैंने सिखाया है इसी चैनल पे, जो मेरे रियाज के जो सीरीज़ है, रियाज की सीरीज़ में मैंने रूपक ताल में शायद बंदिश भी सिखाई है और अलंकार तो सिखाया ही है, आप आराम से उसको देख सकते हैं और इस तरीके से ताल को आप कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि रूपक ताल आपको अच्छा लगेगा और आपको आ जाएगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी ताल है, एकदम इजी ताल नहीं है। अगर अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है भाई, कर दीजिए लाइक, कर दीजिए कमेंट, कीजिए शेयर करिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसा बहुत सारे ओनली तालों के ऊपर वीडियो आने वाला है, जो आपको डे टू डे लाइफ में आप जो गाना गाते हैं उसमें जो प्रयोग कर सकते हैं, वैसे तालों को भी मैंने इंक्लूड किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।